Hello everyone, welcome to Kanishth Coders. In today's video we are going to discuss the code.org express course. It's the lesson number 3 and we will be starting with the stage 2 in it. In this, let us start and try to understand the puzzle. This squirrel over here has to go to the nut. So to enable the squirrel go to the nut, how many loops that we have to take, we need to count on that. Look, it's one time here, two times here and three times here. Isko solve karte hue aap ek baat ka dhyan rakhiye ki jo squirrel ka face hai, us squirrel ke face ka jo direction hai, wo same hai jis direction ke andar hamare paas nut pada hua hai. They both are same. To matlab ki ye squirrel ko move forward karna hai. तो इसको कितनी बारी मूव फॉरवर्ड करना है, 1, 2, 3. तो इसको मूव फॉरवर्ड करने के लिए आप रिपीट ले सकते हैं कितनी बारी, 3 times एंड मूव फॉरवर्ड. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. जब भी हमें एक काम को बार बार करना होता है उस टाइम पे हम रिपीट यूज़ करते हैं. लेट्स क्लिक ऑन रन एंड इम्प्लीमेंटेड 1, 2 and 3. लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट पजल. Okay, now to solve this puzzle we have to be very careful and we have to check what we have to do. Look, if we go one time move forward to hum log kahan pe aa jayenge, yahan par, jabki hame ek bar hi aur move forward karna padega is position pe aane ke liye. To sabse pehle aap do bar hi move forward karenge, uske baad aap ye realize karenge ki aap is position pe hain aur agar aap is taraf dekh rahe hain towards your left hand की तरफ, तो आप ये decide करेंगे कि ये आपका right side पड़ता है, तो आपको right side में अपना face को turn करना है. तो आप right में first face को turn करेंगे. यहाँ पर देखिए, इतना पहले move forward, turn right. अब आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप इसको यहाँ पे, आपको इसकी स्क्विरल की बैक दिख रही है तो ऑब्वियसली इसकी आईज इस डायरेक्शन में होंगी टुवर्ड्स द नॉर्थ. तो अब जब जब आईज और नट सेम ही डायरेक्शन के अंदर हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मूव फॉरवर्ड करना है. सो व्हाट विल वी डू, वी विल जस्ट सिंपली गो मूव फॉरवर्ड. कितनी बारी मूव फॉरवर्ड करेंगे हम ये चेक कर सकते हैं, 1 time यहाँ और 2nd time यहाँ, 2 बारी. तो अब हम लोग यहाँ पे रीसेट और रन करते हैं. 1 time फॉरवर्ड, 2 time फॉरवर्ड, फेस चेंज किया, फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. लेट्स मूव ऑन एंड सॉल्व द नेक्स्ट सेट ऑफ पजल दैट वी हैव. ओके, ये सेट ऑफ पजल काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी तरीके से यहाँ पे गलत किया हुआ है, तो हम इसे डीबग करते हैं. एक बात और बताऊँगा, जब आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ सॉल्व हुई होती है और आपको उस चीज़ को सही करना होता है, दैट इज़ नोन एज डीबग. डीबग, रिमूविंग डाउन दी एरर्स, एरर्स को रिमूव करना, इसको डीबग और डीबगिंग कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बारी मूव फॉरवर्ड करना होगा. जब हम एक बारी मूव फॉरवर्ड कर लेंगे तो ये स्क्विरल यहाँ पर आ जाएगी. अब आप ये देख, अपना फेस को फुली टर्न करिए इस डायरेक्शन के अंदर, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट. तो आपको इस तरफ नट के जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है, इसलिए यू विल बी टेकिंग अ लेफ्ट टर्न. लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो रीसेट पे जाते हैं एंड मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड, इस तरीके से तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे. लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सॉल्व द 5th one. 5th one को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस स्क्विरल को एक ब्लॉक मूव फॉरवर्ड पे लेके जाना है. तो हम लोग पहले उतना कर लेते हैं. तो लेट्स टेक दिस स्क्विरल, लेट्स इनलार्ज दिस, और इस स्क्विरल को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके चलते हैं. जब हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाएंगे तो हमारे को ये पता चलेगा कि ये वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, तो आपको अपना फेस भी वेस्ट डायरेक्शन में करना है. तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो आपको लेफ़्ट की साइड जाना है, इस तरफ जाना है. तो अब आप क्या करेंगे, टर्न, क्या करेंगे, टर्न लेफ़्ट करेंगे.
टर्न लेफ्ट करने के बाद जब आपका फेस, मैं दिखा देता हूँ आपको, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, तो अब देखिए डायरेक्शन आपका सही तरफ है तो आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जब आपने मूव फॉरवर्ड कर लिया है तो अब आप देखिए मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट मूव फॉरवर्ड। अब जब आप इस तरफ आ चुके हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये आपका कौन सा बनेगा, राइट, और ये वाला लेफ्ट। इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये स्क्विरल जैसे आपके पीछे वाली वॉल को देख रही है, इसी तरीके से आप भी अपने फेस को पीछे वाली वॉल की तरफ करिए तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। नाउ बहुत सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स टेक द टर्न टूवर्ड्स द राइट, तो हम राइट टर्न लेंगे और उसके बाद मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब करके देखते हैं, परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ वाले पजल में। एक बात का ध्यान रखिए, आपको कुछ ब्लॉक्स ग्रे कलर के अंदर दिख रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए आप ये ग्रे ब्लॉक्स को बिन के अंदर नहीं डाल सकते हैं और इनको नेसेसरीली, मतलब आपको ज़रूरी इनको यूज़ करना ही करना है, तो इस बात का काफ़ी ज़्यादा आप ध्यान रखिए। और अब हम इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे, कितनी बारी, दो बारी, दो बारी मूव फॉरवर्ड करने के लिए हम रिपीट भी ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें, बट इसको विदाउट रिपीट से करते हैं। टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो हम वन टाइम और टू टाइम, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगी, ये आपकी राइट साइड हो जाएगी। तो अब आप किस तरफ टर्न होंगे, टूवर्ड्स दी राइट, राइट साइड पे टर्न होंगे। सबसे पहले अपने ग्रे ब्लॉक्स को यूज़ करने की कोशिश करिए मैक्सिमम, कि वो सारे ग्रे ब्लॉक्स जो हैं आपके वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, टर्न राइट करने के बाद आपको दो बारी मूव फॉरवर्ड जाना है, तो अब आप आई थिंक आप एक रिपीट भी ले सकते हैं क्योंकि ग्रे ब्लॉक्स आपके सारे यूज़ हो जाएंगे, तो टू टाइम मूव फॉरवर्ड कर लेंगे आप। इतना देखिए, दो बारी फॉरवर्ड राइट, दो बारी मूव फॉरवर्ड आपने इस तरीके से कर लिया। इसके बाद अगर ये आपके पीछे वॉल को देख रहा है, आप भी अगर अपनी वॉल को देखें तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो आपका ये वाला हैंड होगा ये राइट होगा और ये वाला लेफ़्ट होगा, तो आपको किस तरीके कहा किस साइड पे जाना है, लेफ़्ट की साइड पे, तो यू विल टर्न टूवर्ड्स दी लेफ़्ट, टर्न टूवर्ड्स दी लेफ़्ट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दो टाइम मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो आप एक और काम भी कर सकते हैं कि इस मूव फॉरवर्ड को यहाँ से बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद ये मूव फॉरवर्ड आप यहाँ डाल लीजिए और यहाँ वाले में दो टाइम मूव फॉरवर्ड कर दीजिए। तो इससे हमने मैक्सिमम सारे तो यूज़ कर ही लिए हैं और हमने बाकी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ रिपीट ब्लॉक यूज़ किए। टू टाइम मूव फॉरवर्ड टर्न राइट, टू टाइम मूव फॉरवर्ड टर्न राइट, टू टाइम मूव फॉरवर्ड, परफेक्ट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सेवन्थ पार्ट को। जब हम सेवन्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे। काफ़ी हद तक ये पजल ठीक भी सॉल्व हुआ है पर फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट रिजल्ट देने की। तो आप क्या करेंगे, एक बार ही मूव फॉरवर्ड करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, टर्न करेंगे। किस साइड टर्न करेंगे, ऑब्वियस है, अगर ये आपका लेफ्ट बनेगा और ये आपका राइट बनेगा, सो यू विल टर्न टूवर्ड्स दी लेफ्ट, तो आप टर्न लेफ्ट करेंगे और उसके बाद मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो अब हम एक बार ही इतना सॉल्व करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट मूव फॉरवर्ड। अब आप देखिए ये जो स्क्विरल है आपके सामने वाली वॉल को देख रही है, मतलब जहाँ पे आपको देख रहे हो, जैसे आप लैपटॉप को देख रहे हो तो ये लैपटॉप को देख रही है स्क्रीन को। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि ये इसकी राइट साइड होगी और ये इसकी लेफ्ट साइड होगी, तो हम किस साइड जाएंगे, टूवर्ड्स दी राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टर्न राइट करेंगे। टर्न राइट करने के बाद हम कितनी बारी फॉरवर्ड जाएंगे, दो टाइम हम कहाँ जाएंगे, मूव फॉरवर्ड, दो टाइम मूव फॉरवर्ड जाएंगे। तो हमारे पास टर्न करके आगे,
उसके बाद लेके दो बारी मूव फॉरवर्ड करने के बाद हम लोग टर्न राइट लेंगे। तो टर्न राइट लिया हमने, आफ्टर टेकिंग टर्न राइट हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एक मूव फॉरवर्ड। तो इससे ही हमारा पजल बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। जहाँ पर भी हमें लगता है मोर देन वन टाइम कोई चीज़ यूज़ हो रही है, मूव फॉरवर्ड जैसे यूज़ हो रहा था, आई हैव यूज अ रिपीट ब्लॉक ओवर देयर। आगे चलते हैं और एट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एट इज़ अ चैलेंज पजल, तो आप लोग काफ़ी ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम एक बारी मूव फॉरवर्ड करेंगे। मूव फॉरवर्ड करने के बाद हम लोगों को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर अपना फेस इस डायरेक्शन में करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पड़ेगी आपकी, सो दिस विल बी टर्न टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आप दो बारी मूव फॉरवर्ड जाएंगे। आफ्टर गोइंग टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड देन यू विल गो टूवर्ड्स दी विच डायरेक्शन, टूवर्ड्स दी लेफ्ट। देखिए पहले इतना मूव फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट, टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड टर्न टूवर्ड्स द लेफ्ट, देन यू विल मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। परफेक्ट एंड गुड। नाउ यू विल रियलाइज दैट दिस डायरेक्शन इज द लेफ्ट वन एंड दिस इज द राइट वन, सो वी विल जस्ट टर्न टूवर्ड्स द राइट एंड देन मूव फॉरवर्ड। That will be the correct answer for this set of puzzle. Perfect. Let's move on to the ninth one and try to solve it. Okay, it is an analytical puzzle. You have to see which answer is the correct one. Out of the available one, how will this go? So let's see how will this go and let us decide on that what will we do. So let's see, it says two times move forward and then turn towards the right. So you two times move forward, then you turn towards the right hand side this way, then move forward, then you turn left. This is here. This means that the scratch will reach the corn. There's no, but no, this is wrong. The scratch will not reach them because they turn the wrong way. Yes, it will turn towards the wrong way. Two time move forward, turn right is okay. Move forward. It should be turn right, but she's taking turn left. So this is wrong. Let us move forward and solve the last one. This is quite easy. You just have to go one time, two time, three time, one time, two times, three times move forward, and then you will realize one time, two time, three times move forward, then you will realize that this is the right hand side. So you will turn towards the right, you will turn towards the right and then move forward. Let's click on reset and run and see the output. Perfect. So in this way you will be able to solve all these puzzles. Hope you enjoyed this lesson with Kanishk Coders. Keep following us and liking us. Have a nice day.